नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष राहुल द्विवेदी ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला। राहुल द्विवेदी किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त की। युवा कांग्रेस ने कहा विद्युत विभाग किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं दे रहा है, इसलिए समय समय पर विरोध किया जाता है। धरना प्रदर्शन से लेकर पुतला दहन रैली निकालकर विरोध हमने किया। आज दिनांक 6 सितंबर 2021 को युवा कांग्रेस के समर्थन में क्षेत्र के किसान शामिल हुए हैं। पूर्व विधायक अजय सिंह ने कहा कि किसानों के लिए लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। भाजपा सरकार के ऊपर शब्दों का कड़ा प्रहार किया गया कि भाजपा सरकार किसानों का हित नहीं सोचती। ये भी कहा कि सोची समझी साजिश है, विधानसभा क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। आखिर क्यों नहीं मिल रही किसानों को बिजली? मानपुर में विद्युत विभाग के अधिकारियों का मनमाना रवैया है। किसानों के साथ भेदभाव क्यों? एक अधिकारी सब पर भारी। किसानों की चिंता सरकार को नहीं, उसके बाद राहुल द्विवेदी ने कहा जब तक अन्नदाताओं के यहाँ लगा हुआ विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा तब तक विद्युत विभाग का विरोध करता रहूंगा। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली दी जाए, किसानों की चिंता सरकार को नहीं है। राहुल द्विवेदी ने कहा कि विद्युत विभाग का रवैया किसानों के प्रति दुर्व्यवहार भरा है। जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाएं, राहुल द्विवेदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अन्नदाताओं को पर्याप्त बिजली नहीं मिली तो आंदोलन और भी बृहद होगा। विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक अजय सिंह, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा, प्रदेश प्रतिनिधि ओपी द्विवेदी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज सिंह, जनपद अध्यक्ष रामकिशोर चतुर्वेदी, खालिक अंसारी, आशुतोष त्रिपाठी के साथ हजारों की संख्या में किसान पत्रकार मौजूद रहे। मोदी जी की सरकार तीनों कानून किसानों पर मान दी। कांग्रेस पार्टी तो मानना पड़ेगा और नहीं माने तो उत्तर प्रदेश उनके हाथ से चला जाएगा और 2024 में वो देश से भी बाहर चला जाएगा। हमको आपको हमारे कार्यकर्ता हमारे साथी आपको चेता सकते हैं, आपको आगाह कर सकते हैं, सावधान हो जाइए। आपके साथ लूट हो बल्कि हजारों ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। क्षेत्र का किसान दर दर भटक रहा है, इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ से जो विधायक और मंत्री हुए हैं, मैं ये देखता हूँ कि हमारा क्षेत्र का किसान जब भी यहाँ इस क्षेत्र में हमारे क्षेत्र की मंत्री महोदय आती है, विधायक महोदय आती हैं, तो उनके सामने बिजली और पानी की समस्या के आवेदनों के ढेर लग जाते हैं। अभी मेरा एक किसान कह रहा था समरा का कि मैंने आवेदन दिया, बोले भैया हम बिजली में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप मंत्री कहेंगे भैया आपने मंत्री का पद लिया।